हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज से मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने दिन का रूटीन आपको दिखा सकूं। तो देखते हैं मेरे पूरे दिन भर में आज मैं क्या क्या करती हूं। तो चलिए, ये फर्स्ट चीज़ मैं अपनी जब सुबेरे उठते हैं तो सुबेरे उठ के अपनी सासू माँ के साथ करती हूँ मैं सुबह की प्रार्थना। उसके बाद करती हूँ अपने बाकी दिन की शुरुआत। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाते रहूँगी कि मेरे ब्लॉग में क्या क्या होता है। और ये बन रही है मेरी मॉर्निंग टी। और जब तक ये उबल रही है तब तक साथ ही साथ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी भांजी का टिफिन बॉक्स स्कूल के लिए। और यहाँ पे मेरा जीरा गरम हो रहा है और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही है, उबल रही है। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले हैं, तो आज मैं बनाऊँगी भांजी के लिए आलू के गुटके। और यहाँ पे मेरी चाय और आलू साथ ही साथ पक रहे हैं, तो डालते हैं चाय। और यहाँ हमारी सुबह की चाय सबके साथ मिलके पी जा रही है। ये मेरे ससुर जी, ये मेरी सास, और यहाँ पे मेरी भांजी रेडी हो रही है अपने स्कूल के लिए। और यहाँ पे मेरी भांजी को मेरी सासू माँ रेडी कर रही है, इसके बाल बना रही है दो चुटिया। और यहाँ पे बन रही है मेरी भांजी के ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए पराठे। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ और अपना ब्रेकफास्ट करनी है पराठा और आलू की सब्जी। तो गाइस, आलू की जो सब्जी है ना वो मेरी फेवरेट है। मामी, आपको कैसी लगती है आलू की सब्जी? समटाइम मुझे अच्छी लगती है, जैसे आलू के गुटके हो, पराठे हो, या फिर माड़े हो और मट्ठा हो, तो मैं खा सकती हूँ। बट अगर रोज रोज मुझे एक ही सब्जी खानी हो तो मैं नहीं खा सकती आलू की सब्जी ज़्यादा, इसलिए मुझे सोसो लगती है। ओके, तो कर दिया है मैंने लंच बॉक्स पैक। और यहाँ मेरी सासू माँ करने लग गई है अपना ब्रेकफास्ट। कैसा बना मम्मी? बहुत ही बढ़िया पका हुआ मिला, आलू के गुटके, पराठे, चाय। मज़ा आ गया। और आज मैं दिखाती हूँ आपको मौसम बाहर का। और आज का बाहर का मौसम भी बहुत मस्त हो रखा है। आज हमारे यहाँ भी है बारिश और चल रही है ठंडी ठंडी हवा। बाय लक्की। बाय। मम्मी लेके आई है घर में मट्ठा दूध। मम्मी, ये कितना दूध होगा? 4 लीटर? 4 लीटर ये है, 1 लीटर ये है, इसमें मट्ठा है। और आज हमारे घर में आ रहे हैं कुछ गेस्ट शाम को, तो उनके लिए मम्मी अभी से ही प्रिपरेशन करने लग गई है। मम्मी, कौन आ रहा है? मेरी बेटी आ रही है, दामाद आ रहे हैं। आज मम्मी की छोटी वाली बेटी और दामाद आ रहे हैं मम्मी के, तो मम्मी अभी से लग गई है अपनी प्रिपरेशन में। ये इस घर से उस घर में बात कर रही है। नहीं रे, कहाँ है कुत्ता? ये सच कह रही हो? हेलो मम्मी, कहाँ चले? मैं जा रही हूँ सब्जी ले आती हूँ, ताजी सब्जी शाम के लिए।
हाँ दिन के लिए शाम के लिए सब्जी लेके आती हूँ, वॉक भी कर जाऊंगी। ओके वॉक भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, हैदराबाद जा रही हूँ गोहरपटिया, अभी आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, मिलते हैं एक घंटे बाद। ओके बाय। घर का सारा काम हो चुका है फिनिश, और मेरा किचन भी हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अब एट दी एंड मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी और अपने फेवरेट बियर मग के साथ अपनी ग्रीन टी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को चाय से ज़्यादा अच्छी ग्रीन टी लगती है। जब ज़्यादा थकान हो या फिर सारा काम अपना फिनिश कर दिया हो तो उसके बाद मुझे ग्रीन टी पीना अच्छा लगता है। तो मैं दो ग्रीन टी, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग लेती हूँ। और मैंने आपको सुबह आई थिंक 6 से 7 के बीच में दिखाई थी कि हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश, और अब बज रहा है 10 और 10 बजे हमारे यहाँ पे निकल गए हैं सूरज देवता। जय हो प्रभु की। धूप आ गई अच्छी, और इसी धूप में बैठ के मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। ताजी वाली गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, फली, प्याज। और वॉक भी करके आ गए हैं? वॉक भी करके आ गए। करके आ गए हाँ। कितना दूर गए? गोहरपटिया बिगराबाग से घर पहुंची हूँ। हरी मिर्च लाई देगा, अब बता ऐसी मिर्च है, अरे क्या बताओ। यूँ मैं अपना थोड़ा सा पैरों की केयर करने के लिए, क्योंकि अभी अभी हमारा घर थोड़ा नया बना है तो इसमें फ्लोर में थोड़ा सा धूल और मिट्टी जिसके वजह से मेरे पैर फट जा रहे हैं, तो कर रही हूँ मैं अपना आज पेडीक्योर घर पे। तो इस पानी में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा शैम्पू, और उसके बाद करूँगी मैं अपना फुट स्क्रब और कुछ बेसिक चीज़ें। अब मैं ये करूँगी स्क्रब अपना पूरे पैर में, इसको रगड़ के थोड़ा सा अच्छे से आज इसको ऐसे रगड़ लेंगे और अच्छे से पूरे पैरों में स्क्रब कर देंगे 5 या 10 मिनट बस। और यहाँ पे मम्मी करने लग गई है दिन के खाने की तैयारी। और दिन के खाने में मम्मी बना रही है पत्ता गोभी की सब्जी। और आज हम चावल नहीं बनाएंगे, चावल मतलब बनेगा लेकिन सिर्फ पापा के लिए बनेगा, मम्मी और मैं रोटी खाएंगे। क्योंकि क्यों खाएंगे मम्मी रोटी? एकादशी है आज, एकादशी भी है। हाँ। और आज से हमने अपने न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है, तो मतलब हमको याद रहेगा ना कि हमने न्यू ब्लॉग बनाया था और उसी दिन से हमने राइस खाना छोड़ा था। तो हम एक महीना राइस छोड़ देंगे, सुबह शाम को और दिन में तीनों टाइम रोटी खाएंगे, तो देखेंगे कि हमारा वेट कितना लॉस हुआ है फिर। तो इसलिए आज से हम कंटिन्यू 30 डेज तक राइस छोड़ के रोटी खाएंगे। ठीक है मम्मी? ओके। गई है हम तीनों की थाली, ये है पापा की थाली, ये मम्मी की और ये मेरी। बस अब चलते हैं प्लेटों को लेके बाहर और खाते हैं आराम से धूप में बैठ के। और यहाँ पे स्कूल से आ गई है मेरी भांजी जो कि खाना खा रही है, और यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी है, और ये साथ ही साथ यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है मेहमानों के लिए उनके यहाँ डिनर। सो गाइस देखते हैं अभी मामी के किचन में क्या बन रहा है। हम आ चुके हैं। वैसे मामी हमारे घर में गेस्ट में आ कौन रहा है? गेस्ट में आज हमारे घर में आ रहे हैं आपकी मम्मी और मम्मी के जेठ और आपके पापा। अच्छा सो गाइस देखते हैं सास बहू क्या कर रही है।
नानी आपने सब्जी काट दी क्या? सब्जी काट रही हूँ, सब्जी मैं काट दूंगी, बनाएगी मामी बढ़िया से। अरे 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 खुशी खुशी, इतनी खुशी और ये मेरी सासू माँ बना रही है अपने हाथ के फेमस पराठे। किसके लिए बना रहे हो मम्मी? जमाई के लिए अपने। मम्मी अपने जमाई को आज अपने हाथ के पराठे खिलाने वाली है, जो कि ना मैं दिखाऊंगी आपको मम्मी के लास्ट में पराठे। ये एक या दो तीन लेयर्स में खुलते हैं और दो पराठे में इंसान का पेट भर जाता है। अच्छा खाने वाला होगा तो ये लड्डू गोपाल आज जा रहे हैं हमारे घर से दीके यहाँ पे, तो मम्मी इनको टीका लगा रही है। जय जय, खुशी रखना, खुशी खुशी जाना, हमारे घर में भी खुशियाँ बिछा जाना। ओके सौभाग्यवती जाओ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा कि मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा, और होप आगे भी आपको ऐसे ही मेरे सारे व्लॉग्स मिलते रहेंगे डेली। थैंक यू सो मच गाइज़।